सोमवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 44 में चंडीगढ़ और मोहाली के विद्यार्थियों के अभिभावकों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान शिक्षा विभाग को अभिभावकों की तरफ से चेतावनी भरा अल्टीमेटम भी दिया गया। दरअसल अदालत के आदेशों के बावजूद भी निजी स्कूल फीस के मामले में पूरी धक्केशाही कर रहे हैं, ऐसा आरोप अभिभावकों की तरफ से लगाया गया। कई प्राइवेट स्कूलों से शिकायतें मिली थी कि कुछ बच्चों की फीस जमा न करवाने के कारण स्कूल से उन्हें निकाल दिया और कुछ बच्चों के पेपर नहीं लिए गए। इस संबंध में अभिभावकों ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब सरकार के अधिकारी और शिक्षा मंत्री निजी स्कूल माफिया के आगे झुक गए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि स्कूलों की बैलेंस शीट और ट्यूशन फीस की जानकारी भी जन तक नहीं करवा सकते, न ही सरकारी आदेशों और अदालती हुक्मों को लागू करवा सके। अज असी पेरेंट्स एसोसीएशन ते पंजाब इंस्ट्रक्शन वालों बैठे हैं। मेरा नाम सतनाम दाऊ है। असी निकम्मे शिक्षा विभाग है जिहड़े चंडीगढ़ दे पंजाब दे, असी पेरेंट्स दी ते बच्चें दी स्कूल फीसां दे मामले च हज़ारां अर्जियां नूं दे चुके हैं, पर यह कठपुतली बनया है स्कूल माफिया दा, क्योंकि अरब रुपए का बिजनेस है। अंत असी तंग हो गए कि ना यह सरकारी हुक्मां नूं मानते हैं ते ना यह अदालतां दे हुक्मां नूं मानते हैं। माफिया हज़ारां करोड़ दा, उहदे कारण कठपुतली बनया है। हुण असी मुख्यमंत्री पंजाब नूं ते चंडीगढ़ दे गवर्नर नूं ऐलान करते हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि जे तुसी शिक्षा अधिकारी ना सुधारिया, असी 31 तरीक तो बाद सरकार नूं ताले भेजांगे ताकि निकम्मे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के दफ्तरों नूं खाली करा के उन्हें बदली की जाए, अफसर की तो उन्होंने दफ्तरों नूं ताले लाए जाए। सुनी है, मैं जनरल सैकटरी हाँ पेरेंट यूनिटी फॉर जस्टिस का। असी सर करीबन साल हो चला है जिहड़ा अपना गवर्नर साहब के ऑर्डर निकले सीगे कि भी ट्यूशन फीस बच्चे पे करेंगे, सेंटर तो भी ऑर्डर ही आया कि ट्यूशन फीस पे करेंगे। असी उस दे रिगार्डिंग जिहड़ा साडा डिपार्टमेंट है अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसनों एक तो एक्सपोज करन वाले हैं। अज दूसरी चीज़ है वह असं यह चाहते हैं कि भी यह डिपार्टमेंट बंद कर देने चाहिए ने, साडे लोगों के टैक्सा तो यह डिपार्टमेंटा जो पैसा दिता जा रहा है, ठीक है ना, सैलरीज दिखाई जा रही है, होर सारा कुछ है, वह सीधी गल साडे पैसे की मतलब वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ मनी है साडी। सो उस वाइजली असी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है सर। लोगों को एक तरह जो बॉम्बे हफ्ता वसूली करते ही ना किसी वेल्ले डॉन लॉग, उस तरीके अजक स्कूल हफ्ता वसूली कर रहे हैं लोगों ने, अपना कह लो कि बच्चे एक तरह का एज ए रिवॉल्वर यूज़ करके, क्योंकि बच्चा उन्होंने रिवॉल्वर है तो उसको यूज़ करके वो एक तरह का वो कर रहे हैं, हफ्ता वसूली कर रहे। और सब नाल वड्डी चीज़ सर यह है कि जिहड़ा ऑर्डर कढ़िया गया सीगा, ऑर्डर कढ़िया गया सीगा कि भी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज कर सकता, और दूसरे उस क्लीयर मैनशन सी, जब तुम कहो तो मैं दिखा भी सकता तुहानू कि भी क्लीयरली मैनशन सीगा इस ऑर्डर में, जिहड़ा 3/6 यानी कि जून के महीने कढ़िया गया सीगा मनोज परीदा जी के द्वारा, उस क्लीयरली मैनशन सीगा कि भी ट्यूशन फीस लिती जा सकती है 19-20 के हिसाब से। उस तो इलावा हर स्कूल नू अपना कह लो कि फीस स्ट्रक्चर स्पैसीफाई करते हुए, ट्यूशन फीस नू स्पैसीफाई करते हुए दसना होगा। अज तक किसी स्कूल ने प्रॉपर मैनर उस चीज़ नू दसिया नहीं। बता दें कि अभिभावकों की तरफ से लगातार शिकायतें दी गई थी, जिसके बाद भी शिक्षा विभाग चंडीगढ़, मोहाली, रोपड़, फतेहगढ़ साहब और कई इलाकों में हुई शिकायतों के संबंध में ना ही शिक्षा मंत्री ने कोई कदम उठाया, ना ही मुख्यमंत्री ने। अभिभावकों ने यहां तक कह डाला कि प्रशासन और पंजाब सरकार के शिक्षा अधिकारी सिर्फ निजी स्कूल माफिया के हाथों की कठपुतली बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर के आदेशों को भी सलाहकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब देखना यह होगा कि इन लग रहे आरोपों पर सरकार और शिक्षा विभाग क्या कदम उठाता है। पंजाब के सिटी वी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट।